गाइस लाइट आ नहीं रही है, घर वाले कार में बैठ के सो रहे हैं और मुझे नींद आ नहीं रही है और टाइम जो है 2:30 बज गए हैं। द नेक्स्ट डे सच्ची कसम ना। न्यू पोचा गर्ल इन हर हाउस। पोचे वाली आंटी, आंटी आंटी उधर रह गया। आंटी शक्ल, आंटी तुम्हें 2 मिनट नहीं लगे शक्ल दिखाने में। आंटी 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 Yes. मैं जब बदला ले आ, फिर देख लो। ते तो कुत्ते सही नहीं होते। ये देखो पोछा लाती हुई चुड़ैल आंटी। मोतो गवार गवार भाई तेरा बिस्तरा यो बाथिंग टब यार उड़ने वाला झाड़ू। गाइस ये जो फोटो है ये आपने इधर देखी होगी जिधर एसी लगा है, ये मेरे दोस्तों ने दी थी गिफ्ट में, सामने दी थी जे मेरे से। ये अपना जोनी भैया, ये अपना करशी भाऊ, ये अपना शकीर भैया, मुनीर भैया, ये डॉगी, ये शकीर, ये डॉगी, ये डॉगी। मेरे पे हमले होते रहते हैं गाइस, FIR करानी पड़ेगी। ये जो है ये अटैप है, ये मामा है, ये जो है इसके मामा है तो हम भी इसको मामा ही बोलते हैं। और ये मेरा जो पहला फ़ोन आया था हमने फ़ोटो खींची थी, पहले फ़ोन ये हम हेमकुंड साहब गए तो खींची थी ये फ़ोटो। ये दोनों क्या कहते हैं फिजिक्स की ट्यूशन की है जहाँ तब खींची जब हमारा नया मेरा फ़ोन नया था रेडमी नोट 5 प्रो तो कैमरा चेक करने के लिए। और ये मेरे घर पे आए थे रात को 8:30-9 बजे के करीब तब खींची थी। और ये मैंने सिर पर पटका नहीं बांधा है, ये बैग के साथ जो कवर मिलता है रेन कवर जो होता है वाटरप्रूफ वाला वो मैंने पहना था क्योंकि सिर क्या कहते हैं मैंने दस्तार नहीं पहनी थी तो फ़ोटो खींचनी थी इसलिए कर लिया। पर एक ही बात है, ये जो कपड़ा है ये जो कवर है ये आज तक मुझे नहीं मिला। ये पता नहीं सबसे इनमें से कोई ले गया, सीधा इल्ज़ाम लगाऊंगा इनमें से कोई लेके गया होगा गारंटेड। ये कुत्तों ने नाखून से किसी ने पूछा नहीं पूछा, मैं दसांगा मेरी वीडियो माय ब्लॉग अलदा हिसाब पूरा होगा बहन जी, हिसाब पूरा होगा। आज पूरे दिन बच के रहना, ये जो मुंह तेरा कुत्ते वर्ग बने ना ये देखी गांव वर्ग होना कौन कर दी। Excuse me. Oh, yes. Please. तो ये फोटो कभी कहीं और लगाएंगे। ये अपने भाइयों का गिफ्ट था पिछले बर्थडे पे। ये जो यहाँ आती थी वीडियो कह रहा हूँ, ये फोटो यहाँ आती थी पर इसी की वजह से थोड़ी टेढ़ी हो गई है। कोई गल नहीं, आज का नया ट्रेंड बहुत सही है, टेढ़ी फोटो लगती है एकदम से। नो आई नो व्हाट यू वांट टू डू, आई नो योर फोन। और मैंने कहा था मेरे से बच के रहिए बंदरी, मैंने कहा था बच के रहना, बच के रहना मेरे से। कुछ भी नहीं, वेला साफ है मम्मी, साफ मम्मी साफ है तेरी, ऐसी तैसी तेरी, ऐसी तैसी मम्मी आते काम बता रहे, कुछ करना नहीं होता, मेरे पोचा भी नहीं लान दे रहे। कौन रवि मैडम जा रहे पोचा लगा पोचा लाते थे ठीक है। मैं ओए ओए ओए
लग दी मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। लग दी, आई वाज टेकिंग जस्ट ओनली दिस। यार मैं नॉर्मल है, तोड़ता पिया, मैं अकड़े है, तोड़ता पिया, मम्मी मर गया, मम्मी मर गया। कुत्ता लगे मम्मी, अच्छा जिंदा हो मम्मी, तेरा बहुत मार लगी है। तो गाइस अभी पेट्रोल पंप जा रहा था दीप के साथ, क्योंकि उसको कुछ काम था और मुझे क्या कहते हैं टंकी जो है बाइक की फ्यूल टैंक पूरा फुल भरवाना है, पापा ने बोला था। और मैं वैसे ही सोच रहा था, मैं क्या भरवा रहा था, क्योंकि शायद कह रहे थे कि आगे मतलब ऑयल का थोड़ा पंगा आना पड़ जाए, इसलिए पहले ही भरवा के रख लो, जरूरत पड़ती है। बाकी अभी फटाफट चलता हूँ क्योंकि वो इंतजार कर रहा है और मैं तैयार हो चुका हूँ एज यूजुअल, वही कुर्ता जमा। तो चलते हैं, पूरी टंकी फुल कराने आए थे और 500-600 में लगता फुल हो जाएगी। छोटी टंकी है, छोटी तो नहीं, डैडी ने 1000 रुपये की करा रुके ना, 1000 की करा दी थी, 600-800 का पड़ गया। तो गाइस अभी शिकंजी पीने आए हैं और 3 ग्लास करवा लिए, क्योंकि एक भाई अपना ये रहा और एक अपना ये दीप भाई है, बाकी ये अपना शिकंजी तैयार हो रही है, बीस की करवाई थी तो पहली बार मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो अभी बना रहे हैं भैया, तो फिर देखते हैं कैसा टेस्ट है, तो पहली बार पी रहा हूँ, बाकी इसने बताया कि अच्छी बनाते हैं, तो भगवान जाने, तो ट्राई करते हैं फिर। तो गाइस शिकंजी अपनी तैयार है, तो बाकी अपने वीर साहब लगे ने, तो हम ट्राई कर दूँ, फिर चलते हैं घर को। तो गाइस घर पे आ चुका हूँ और पेट्रोल भी भरवा लिया था, मुझे लगा था 2000 तक का पेट्रोल आ जाएगा क्योंकि टंकी खाली थी, पर बाद में पता लगा कि पापा ने 1000 रुपये का पेट्रोल डलवा दिया था, तो 800 रुपये का मैंने डलवा लिया, टंकी फुल हो चुकी है। और अभी गेट वगैरह बंद करके, पीछे विंडो वगैरह बंद करके अभी AC चलाया है, तो थोड़ा चेक कर रहा हूँ ठंडा होता है कि नहीं, बाकी सब बाहर है, हम अकेले बैठे हैं। मेरे फ़ोन की प्रॉब्लम थी, मेरा फ़ोन ओवरहीट करता है जब भी मैं गेम खेलता, कुछ भी करता है एडिटिंग वगैरह, तो शायद मेरा फ़ायदा हो जाए क्योंकि AC चलेगा तो रूम ठंडा रहेगा, तो फ़ोन ओवरहीट ना करे, बाकी भगवान जाने क्या होगा। तो अभी तो क्या कहते हैं शाम के आ रहा हूँ, रात के 8 बज गए, तो थोड़ा बहुत आराम करते हैं, क्या ही आराम करेंगे। तो अभी थोड़ी देर में मिलते हैं, ब्लॉग एंड होगा, खाना पीना दिखाऊंगा और क्या ही है बचा, क्योंकि इतनी रात में कहीं जाना है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस अभी टीवी देख रहे थे और साथ में क्या कहते हैं पिज्ज़ा आया, सॉस लग चुकी है, आधा लवी का था, आधा मेरा था, तो आधा मेरा बचा है। ये उम्मीद में थी कि मेरा भाई कह देगा नहीं बहन तू खा ले, पर ये भुक्का ये छोड़ नहीं सकता, मतलब दे दो मेरे, मेरा बहुत मन हो रहा है खाने का। 3 पिज्ज़ा 3 स्लाइस खा दे, तू ही खा दे ने। आधा पिज्जा खाने के बाद भी इसका पेट नहीं भरा, नहीं भरा, मुझे और खाना, मेरे बहुत टाइम बाद। भैंसी ऐसे थोड़ा ना कहते हैं हम, भैंसी है। तो गाइस अभी गुरुद्वारे साहब आए थे और दर्शन कर लिए, क्योंकि समाप्ति हो चुकी है, अब जा रहे हैं घर को वापस, अपना रास्ता उधर है, घुमा कोशिश कर, मतलब कैसे कैसे हानी का आप बताओ, मुझे दिखाओ, मैं इतनी देर में तो तू घर को जा, तेरा काम होगा आप करो, मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा, रुक जा उधर उधर इसकी बनाओ, बच्चे तेरे से टैलेंटेड हैं, कोई नहीं अब आपको भी देखते हैं। और बताओ कुछ कहोगे बेइज्जती से, कुछ कहोगे उधर देख यार, आप करो, मैं बना रहा हूँ वीडियो, मुझे आती है बनानी, कैसे
हर्ष भैया हमारे मेरी तो बड़ी कर दी जल्दी से घुमाना है बस ये है इनका ये सब क्या देखना पड़ रहा है मेरे कम से कम दो चार सेकंड तो था तो क्या नाचो मैं घुमाओ घुमाओ सीखो कुछ इस बच्ची से हरने किधर देखो हरने इधर देखो इससे सीखो कुछ तो गाइस आज का व्लॉग ही एंड होता है और मैं अभी सोने जा रहा था तो आपको अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना बाकी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए सॉरी और अगर आप मतलब कोई चीज़ चाहते हो कि हाँ और अच्छी हो सकती है तो आप कमेंट में बता देना तो अभी क्या कहते हैं सोते हैं और अभी कपड़े में चेंज करता हूँ फिर सोने जाता हूँ बाकी अगर भी थोड़ा परेशान किया था एसी लग गया और क्या अभी एसी चलाया है थोड़ा ठंडा होगा फिर सोते आराम से तो गुड नाइट।